हेलो स्टूडेंट्स, सो कोरोना से लड़ाई और घर बैठे पढ़ाई में पेश है हमारा अगला वीडियो जो कि क्लास 11th क्लास के लिए है एंड द टॉपिक इज द ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे फॉर्म हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ना, ये दो ग्रीक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज द ट्रिगोनोन एंड सेकेंड वन इज द मेट्रोन। ट्रिगोनोन का जो मीनिंग होता है वो होता है ट्राइंगल एंड द मेट्रोन का जो मीनिंग होता है वो होता है मेजरमेंट। ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट, इस तरह से द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो ट्राइंगल में क्या क्या होता है? ट्राइंगल में होता है एंगल्स एंड साइड्स। किसी भी ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात करेंगे तो एंगल्स और साइड सभी होते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल में कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है, एंगल्स एंड साइड। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं एंड मेजरिंग एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है एंड द रिमेनिंग साइड इज द बेस। तो उसी पर आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे इन्वेंट किया गया। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री वॉज इन्वेंटेड बाय अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हिपार्कस। हु इज हिपार्कस? ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। और इन्होंने क्यों ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया? एक्चुअली ये एस्ट्रोनॉमर थे तो इनको एंगल्स से रिलेटेड, इनको एंगल्स की रिक्वायरमेंट थी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द प्लेनेट। तो इन्होंने एंगल को इन्वेंट किया और एंगल को इन्वेंट करने के लिए इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट कॉन्सेप्ट दे दिया। एक्चुअली इन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था, देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल एंड ट्राइंगल इज मेड बाय एंगल्स एंड साइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल से पहले हमें एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंगल को कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। एक्चुअली एंगल पॉजिटिव भी होता है और एंगल निगेटिव भी होता है। कब एंगल पॉजिटिव होता है और कब एंगल निगेटिव होता है? अगर एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करेंगे, अगर कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब वो एंगल कैसा है? वो एंगल पॉजिटिव है। अगर एंगल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि वो एंगल क्या है? निगेटिव है। ये क्वाड्रेंट यहां पर बनाया हुआ है, अगर एंगल एक्स एक्स से होते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए आगे बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव एंगल है, और अगर एंगल एक्स एक्सिस से शुरू करते फोर्थ क्वाड्रेंट से आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब है वो एंगल निगेटिव है। तो दिस इज द क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है टिल 10? हमें एंगल को अगर मेजर करना होता है, मान लीजिए कोई मेजरमेंट दिया है, तो हम कैसे एंगल को रीड करते थे? इस 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, व्हाटएवर, है ना? यही हमको पता है कि एंगल को हम डिग्री में रीड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली एंगल को मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एटलीस्ट तीन मेथड होते हैं एंगल को रीड करने के। तो हम उन तीनों सिस्टम्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं, दिस इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन द इंडियन सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम है क्योंकि इंडियंस ने इसी सिस्टम को दिया था। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द डिग्री सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो मेजरमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है। देयर फॉर इट इज कॉल्ड द डिग्री सिस्टम ऑल्सो। अब क्या होता है इस सिस्टम में, देखिए मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर हम ये पूछें बच्चों से कि राइट एंगल और डिग्री के डिग्री में पहले क्या था, ठीक है, जैसे बहुत सारे फनी क्वेश्चंस होते हैं कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, वो बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। पर आप मुझे ये बताइए कि राइट एंगल पहले अवेलेबल था या पहले अवेलेबल था डिग्री? क्या अवेलेबल था पहले? राइट एंगल पहले से अवेलेबल था, क्योंकि राइट एंगल का जो ये शेप होता है, ये देखिए, दिस इज द शेप ऑफ द राइट एंगल। तो ये दुनिया में पहले से मौजूद थे जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा भी नहीं थी। तो जब ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया गया तो एक बेसिक के तौर पर एक राइट एंगल को लिया गया, और उस राइट एंगल को क्या किया गया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। दिस इज द सिंबल फॉर द डिग्री। ये डिग्री का क्या है? साइन है। यहीं तक नहीं रुका गया, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक डिग्री तो बहुत छोटा होता है यहां के हिसाब से, बट एस किसने इसको इन्वेंट किया था? हिपार्कस ने, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो वो प्लेनेट की स्टडी कर रहे थे, तो उनके लिए एक डिग्री एंगल भी बहुत बड़ा था। तो इसको जब आगे लेके गए तो यहां पर एक डिग्री को
60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट. दिस इज, ये जो मिनट है ये समय वाले मिनट की बात नहीं कर रहे, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट. तो एक डिग्री को, एक डिग्री कितना छोटा होता है, उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट. उसके आगे और आगे क्या, 1 मिनट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स. एक मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उस एक पार्ट को क्या कहा गया, सेकेंड. तो ये जो सिंबल है ये सेकेंड के लिए आता है, सेकेंड. दिस इज नॉट द मिनट एंड सेकेंड फॉर द टाइम, ये एंगल मेजरमेंट की ही यूनिट है. तो अगर इस सिस्टम की लीस्ट काउंट की बात करें, लीस्ट काउंट आप लोग सब समझते हो, किसी भी मेजरमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है. तो ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सेक्साडेसिमल सिस्टम. सो द लीस्ट काउंट ऑफ द सेक्साडेसिमल सिस्टम इज 1 सेकेंड. 1 सेकेंड से छोटा मेजर नहीं कर सकते. तो सबसे छोटी जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है, 1 सेकेंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो दूसरा सिस्टम है दैट इज द सेंटेंसिमल सिस्टम. कौन सा सिस्टम है ये, सेंटेंसिमल सिस्टम. अब यहां देखें ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है तो क्लियर हो रहा है, इसको अगर हिंदी में बोले तो ये शास्टिक पद्धति होता है. शास्टिक का मतलब होता है 6, इसीलिए यहां पर 60 लिया गया है ना. शास्टिक मतलब 60 होता है और यहां देख रहे हैं सेंटेंसिमल सिस्टम. सेंटेंसी मतलब सेंटेंसी क्या होता है, 100 होता है. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया, अच्छा मैं आगे और बताना चाहूंगा, ये जो सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम है, ये फ्रेंच लोगों की देन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फ्रेंच सिस्टम एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड ग्रेड सिस्टम. यहां पर ये डिग्री सिस्टम ना होके क्या है, ग्रेड सिस्टम है. उन्होंने थोड़ा सा इनोवेट किया है इसको, क्या किया है इसमें, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स. उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया बल्कि उन्होंने क्या कर दिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसान होता है. अगेन 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट. वापस उसी को मिनट लिया बट उन्होंने 60 की जगह कितने पार्ट्स कर दिए, 100 पार्ट्स कर दिए. एंड अगेन 1 मिनट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकेंड. तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो इस सिस्टम में भी जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, वो 1 सेकेंड ही है. बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो विच सिस्टम इज द मोर एक्यूरेट, एक्चुअली सेंटेंसिमल सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है. क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर अपन कोई नंबर पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा डिजिट तक लिखेंगे उतना एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा. तो यहां पर भी क्या है, इसके पार्ट्स क्या किए गए हैं, ज्यादा किए गए हैं, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम है. कई बार ये भी पूछा जाता है विच इज द मोर एक्यूरेट, तो ये वाला सिस्टम जो है मोर एक्यूरेट है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में केवल 2 ही सिस्टम है, कौन कौन से, एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि इंडियन सिस्टम है और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम जिसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. तो तीसरा जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम. ये जो है ये अमेरिकन सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है एंड नाउ इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम. सभी बड़े राइटर्स इसी को ही यूज करते हैं, सभी बुक्स में आपको यही मिलेगा. आगे आप 11th क्लास में सारे एंगल्स इसी में ही पढ़ने वाले हो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियन सिस्टम. इसे क्या कहा जाता है, रेडियन. दिस इज वेरी सिंपल. यहां पर उन्होंने राइट एंगल ना लेते हुए 2 राइट एंगल ले लिए. 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है. तो उन्होंने 2 राइट एंगल को क्या लिया, पाई रेडियन. सिर्फ इतना सा है, और ज्यादा डिस्क्राइब किया ही नहीं है. 2 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन. ये जो सिंबल है ये किसका है, रेडियन का. अच्छा सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कल के थ्रू अपन एंगल को मेजरमेंट करते हैं. यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ए और बी एक सर्कल पर 2 पॉइंट है. तो ये ए बी क्या हो गया, आर्क हो गया. अब ये ए बी आर्क जो है इस एंगल पर, इस सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, रेडियन. यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर रेडियन. यहां पर जो भी वैल्यू आएगी इस एंगल की उसे हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री में नहीं करेंगे, ग्रेड में नहीं करेंगे, बट किस में करेंगे, रेडियन में. तो इसको कहते हैं रेडियन. आगे हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे. चलिए तो अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट. अभी हमने 3 सिस्टम पढ़ लिए एंगल मेजरमेंट के, अब उनमें आपस में रिलेशन. जैसे आप लोगों ने लेंथ के रिलेशन पढ़े हुए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो ये भी डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है. तो इसी तरह से एंगल के जो 3 मेजरमेंट है उनके बीच में भी क्या होता है, रिलेशन होता है. तो अब हम उनको समझ रहे हैं. हमने क्या किया, एक एंगल सपोज कर लिया, लेट थीटा, थीटा को एक एंगल मान लिया है, थीटा बी एन एंगल हुज मेजर इन डिग्री सिस्टम.
जिसका डिग्री सिस्टम में मेजरमेंट कितना है, डी डिग्री है. इन ग्रेड सिस्टम इज जी ग्रेड एंड इन द रेडियन सिस्टम इज आर रेडियन. एक ही एंगल है लेकिन उसका अलग अलग सिस्टम है, उसको अलग अलग सिंबल से हमने यूज किया है. इन द डिग्री इज द डी डिग्री, इन द ग्रेड इज द जी ग्रेड एंड इन द रेडियन इज द आर रेडियन. तो चलिए अकॉर्डिंग टू द एंगल मेजरमेंट जो हमने तीनों पढ़े थे, पहला क्या था, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री. अब अगर मैं दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं क्योंकि डी एक अपने आप में मेजरमेंट है, तो डी राइट एंगल इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा 90 डिग्री, है ना. तो 90 को मैं यहां लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो डी अपॉन 90 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ, डी डिग्री. अब डी अपॉन 90 राइट एंगल, ये डी डिग्री को क्या लिख लेंगे, थीटा, क्योंकि मैंने ऊपर सपोज किया हुआ है कि थीटा एक एंगल है जिसका डिग्री में मेजरमेंट कितना है, डी डिग्री. तो डी डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, थीटा. इसको यही ड्रॉप करते हैं. आगे सेकेंड सिस्टम जो था अपना सेंटेंसिमल सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना था 100 ग्रेड. अब जी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो जी राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया 100 जी ग्रेड. वापस से 100 को नीचे लाएंगे तो जी अपॉन 100 राइट एंगल इज इक्वल टू जी ग्रेड हो गया. वापस से क्या हो गया, जी ग्रेड का मतलब क्या है, जी ग्रेड अगेन एंगल है, वही एंगल है थीटा, तो जी अपॉन 100 राइट एंगल को हमने क्या ले लिया, थीटा. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब तीसरे सिस्टम पर बात करते हैं. तीसरे सिस्टम में क्या है, थर्ड सिस्टम है, टू राइट एंगल इज इक्वल टू कितना है, पाई रेडियन. क्या था, टू राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन. तो अगर मैं इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आर इज द सिंबल फॉर द रेडियन, तो टू आर राइट एंगल इज इक्वल टू पाई आर रेडियन. पाई को नीचे लेके आ जाएंगे तो टू आर अपॉन पाई राइट एंगल इज इक्वल टू आर रेडियन. अब वापस से आर रेडियन की जगह मैं क्या रखूंगा, थीटा, क्योंकि हमने पहले से ही सपोज किया हुआ है कि थीटा एक एंगल है जिसका रेडियन में जो मेजर है वो आर रेडियन है. तो यहां पर थीटा आ जाएगा, इसको इक्वेशन ले लेंगे थर्ड. अब तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तीनों इक्वेशन को, तो ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की, तो उससे क्या मिल जाएगा, डी अपॉन 90 राइट एंगल इज इक्वल टू जी अपॉन 100 राइट एंगल इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई राइट एंगल. अब इन सब में राइट एंगल कॉमन है, तो अगर उसको कॉमन लेके कैंसिल किया जाए या डिवाइड कर दिया जाए राइट एंगल से, तो क्या बन जाएगा, डी अपॉन 90 इज इक्वल टू जी अपॉन 100 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई. दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट. डी स्टैंड फॉर डिग्री, जी स्टैंड फॉर ग्रेड एंड आर फॉर द रेडियन. तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी दो के बीच में भी जो रिलेशन निकालना होगा वो हम निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे. पहले ये सभी को क्लियर हो गया कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट. चलिए तो हमने क्या सीखा, अभी हमने देख लिया था कि डी अपॉन 90 इज इक्वल टू जी अपॉन 100 और 2r अपॉन पाई, ये तीनों में रिलेशन था. अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. यही आपके सिलेबस में भी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि डिग्री में एंगल दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करो, रेडियन में आया है तो आपको डिग्री में चेंज करने के लिए आएगा. इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है. तो हम देखते हैं डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है. तो यहां से डी अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई. अगर मैं इस r को नीचे लेके आता हूं तो d अपॉन r और ये 90 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 90 अपॉन पाई. तो क्या हो गया, d अपॉन r इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू r. इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एंगल रेडियन में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, रेडियन में, अगर मुझे उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से. तो अपने आप को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में. रेडियन का मतलब वो पाई के टर्म्स में होगा. अगर पाई नहीं है मतलब पाई की जगह फिर क्या रखेंगे, 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है. तो अगर रेडियन में दिया है तो मुझे क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, अगर इसी को मैं रिवर्स कर देता हूं, यहां से रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो ये r अपॉन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, और r इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 इंटू डी डिग्री. अब अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से. तो डायरेक्टली एंगल क्या होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, रेडियन में. बहुत आसान तरीका होता है, आपको क्लासेस में यही बताया जाएगा कि अगर आपको
डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से। बट ये आया कैसे, ये पूरा इस रिलेशन के थ्रू आया। ऐसे ही जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप करने जाते हैं तो सिर्फ इतना नहीं, डिग्री और ग्रेड और रेडियन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसे आप खुद करके देख लीजिएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, आप इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ये कुछ एंगल दिए हैं जो डिग्री में दिए हैं, उन्हें हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या एंगल दिए, 25 डिग्री, 405 डिग्री, 135 डिग्री। तो सबसे पहले पहला है 25 डिग्री, डिग्री में दिया है तो डी डिग्री इज द 25, 4 रेडियन। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो डिग्री में एंगल दिया है उसमें पाई अपॉन 180 करते हैं। तो यहाँ एंगल दिया हुआ है 25, मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, अब इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 से 25 और ये 180 को 5 से कैंसिल किया तो 36, तो 5 पाई अपॉन 36 ये आ गया। तो 5 अपॉन 36 पाई रेडियन इज द आंसर। ये आ गया एंगल थीटा, किसमें आ गया, ये रेडियन में, पाई लगा, ये रेडियन का साइन है, मतलब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है 405, चलो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 405 किसमें दिया हुआ है एंगल, डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली मैं इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगेन ये कैंसिल करेंगे, सबसे पहले मैंने किससे कैंसिल किया, 9 से, तो ये आएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 45। अब 5 से कैंसिल करते हैं तो 9 और ये 4, तो 9 अपॉन 4 पाई रेडियन इज द आंसर। एक और क्वेश्चन है 135 डिग्री, इसको भी डायरेक्टली करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पाई अपॉन 180 से इनटू करना पड़ेगा। तो 180 को कैंसिल करते हैं 5 से तो 36, 135 5 से कैंसिल हुआ 27, अगेन 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 3, सो 3 अपॉन 4 पाई रेडियन इज द आंसर। अब आपका टास्क ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, इन सब को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, और इनकी वैल्यूज आपको रिमेम्बर भी कर लेनी है। जैसे 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है, ठीक है, 60 डिग्री पाई बाई 3, तो आप इन्हें कन्वर्ट करके देखेंगे और इनको रिमेम्बर कर लेंगे। चलिए आगे हम सीखेंगे कि ये तो हमने सीखा डिग्री से रेडियन कैसे चेंज होता है, अब रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे एक और क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ये एंगल जो दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, रेडियन में, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन द डिग्री। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5π/5π/3 रेडियन, तो एंगल क्या दिया हुआ है 5π/3 रेडियन। तो जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या सीखा था, डिग्री के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन पाई से, तो मैंने 180 अपॉन पाई से इनटू किया तो पाई से ये पाई क्या हो गया कैंसिल, 3 से मैंने 180 को कैंसिल किया तो 60, अब 60 इनटू 5 कितना आ गया 300। तो ये जो एंगल था रेडियन में ये डिग्री में कितना है 300 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 7π/6 रेडियन, तो इन डिग्री 7π/6 इनटू 180 अपॉन पाई, रेडियन के लिए डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 6 से क्या होगा ये 180 30 टाइम्स आएगा, 30 इंटू 7 कितना आ गया 210। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम जिनमें कई बार क्या होता है एंगल रेडियन में पाई नहीं दिया है, या जो डिग्री में है वो डिग्री के साथ मिनट और सेकेंड्स में भी दिया है, तो देखेंगे कैसे करेंगे उनको। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री एंड रेडियन, तो फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। अब देखिए एंगल कैसा दिया हुआ है, 50 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, तो इसे हम रेडियन में तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक ये मिनट और सेकेंड में है। तो पहले हमें सेकेंड और मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में। तो चलिए एंगल क्या दिया हुआ है, 50 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड, तो हम पीछे से ही आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इस 30 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा था, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना था 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड कितना होगा 1/60 मिनट, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। तो जैसे ही इसको हमने 60 से डिवाइड किया ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, ये 0 से 0 कैंसिल, 3/6 हो जाएगा 1/2, तो अब क्या हो गया 37 मिनट एंड 1/2 मिनट, तो ये दोनों जुड़ के क्या ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 37 प्लस 1/2
मिनट। अब ये टोटल हो गया सॉल्व करने पर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 75/2 मिनट। अब ये डिग्री है और ये मिनट है। अब इस मिनट को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन इसको डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। तो 75/2 और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 60 से, तो ये किस में आ गया, डिग्री में। अब इसको कैंसिल करते हैं 15 से, तो 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, तो ये 5/5 कितना आ गया, 8। तो 50 + 5/8 डिग्री। सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ जाएगा, टोटल 405/8 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया, अब इसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन रेडियन क्या सीखा था हमने रेडियन के लिए, कि जो एंगल डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने इसको π/180 से मल्टीप्लाई किया। अब अगेन इसको कैंसिल करेंगे तो 180 को और 405 को किससे कैंसिल किया, 9 से, तो ये आएगा 20 और ये 45। फिर अगेन किससे कैंसिल करेंगे, 5 से, तो ये आएगा 4 और ये 9। अब ऊपर 9 पाई है, नीचे 8 4 जा 32, तो 9/32 π रेडियन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमें डिग्री मेजरमेंट में दिया हुआ था और हमने इसको किसमें, मतलब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम से हम इसको सर्कुलर सिस्टम में लेके आ गए हैं। तो दिस इज द आंसर। चलिए इसी पर बेस्ड आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं सेक्साडेसिमल में, इनको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 104° 36' 40° 15' 36" -30° 5' 15" माइनस में कुछ भी नहीं होगा, माइनस आगे रहेगा और एंगल जो आपका जो मेजरमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि रेडियन में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन इज, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल -4 रेडियन। तो क्वेश्चन है -4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या सीखा था हमने, कि मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो -4 × 180/π। अब एक्चुअली डिग्री मेजर में तो पाई का कोई काम ही नहीं है, तो यहां जो पाई आया उसके लिए क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। क्या होती है पाई की वैल्यू, 22/7। तो ये 22/7, 7 कहां जाएगा, ऊपर। सिंपलीफाई करेंगे इस 4 को 2 से और ये 22 को भी 2 से, तो 11। तो ये हो जाएगा 180 × 360 × 7/11। मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया -5/2520/11 डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री में आ गया। अब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो डिग्री में होगा नहीं 11 में, तो कंप्लीट डिग्री में आने के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से। तो ये आ जाएगा -229/1/11 डिग्री। तो यहां 229 तो डिग्रीज आ गए, बट 1/11 को क्या करेंगे अपन, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, मिनट। नाउ -229 डिग्री, अब 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/5/11 मिनट। अब यहां 5 कंप्लीट मिनट हो गए, तो -229 डिग्री 5 मिनट एंड 5/11 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। तो ये 60 सेकंड हो गया, तो -229 डिग्री 5 मिनट 300/11 सेकंड। सेकंड को भी आगे सॉल्व करेंगे तो -229 डिग्री 5 मिनट और ये आ जाएगा 27.27। पॉइंट क्यों आया, क्योंकि सेकंड से छोटी यूनिट होती नहीं है अपने पास, तो इसको पॉइंट में ही डालेंगे। लेकिन कंप्लीट क्या होगा, ये आफ्टर पॉइंट क्या है, 2 है। अगर ये 5 या उससे बड़ा होता तो इसको हम 28 कर देते, पर ये पॉइंट 2 है तो ये 27 ही रहेगा। तो क्या आंसर आया, -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड इज द आंसर ऑफ द -4 रेडियन। तो ये 4 रेडियन से किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। चलिए एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए है कि ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं रेडियन में जिन्हें आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज में। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इस पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं, आप आरटी की एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप सॉल्व कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर कर सकूं। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है रेज अकेडमी, और ध्यान से बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए एक बात मैं और बताना चाहता हूं, हम अपने अगले वीडियो, मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको 1 रेडियन,
दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर 1 रेडियन की वैल्यू आपको पता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इस पे एक ट्रिक है जिसको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।